के जीनियस माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम जानेंगे प्रभावी संप्रेषण के लिए सुधार या सुझाव दोनों का मतलब एक ही है। हमारे क्वेश्चन का अर्थ है यहाँ पर फ्रेंड कि हम जो संप्रेषण करते हैं, और संप्रेषण का मतलब क्या होता है, विचारों का आदान प्रदान, कि एक संस्था में एक मालिक अपने कर्मचारी के साथ जो बातचीत करता है ना, उन बातचीत में कौन कौन सी बाधाएं आ जाती है, और जब वो बाधाएं आ जाती है मतलब जो कठिनाई आती है, तो उनके लिए क्या उपाय किए जाए जिससे समय पर कर्मचारी तक संप्रेषण पहुंच पाए, या फिर जो मालिक जो बात कहना चाहता है वह अपने एम्प्लॉय को समझ में आ जाए। क्योंकि बहुत सारी बाधाएं होती है कि जैसे अपन समझ ले इसमें भाषा संबंधी बाधा, कि सामने वाला इंग्लिश बोल रहा है और सुनने वाला हिंदी जानता है, तो ऐसी बाधा आ गई तो इसका सुझाव कैसे होगा, इसका सुधार कैसे होगा। या तो फिर संप्रेषण करने से पहले सुनने वाले की भाषा जान ली जाए और फिर उसके आधार पर क्या किया जाए, बातचीत की जाए। तो कुछ ऐसी बाधाएं आती है जिन कारण संप्रेषण में समस्या आती है, तो उन समस्याओं को दूर कैसे किया जाएगा वो हम यहाँ पर आज जानेंगे। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है। सभी संगठनों में प्रभावी संप्रेषण में बाधाएं अधिक या कम अंश में विद्यमान रहती है। कौन सा भी संगठन हो वहां पर बाधा या तो कम होगी या फिर ज्यादा होगी, लेकिन होगी जरूर। वे संस्थाएं जो प्रभावपूर्ण संप्रेषण के विकास के लिए उत्सुक होती है, उन्हें इन बाधाओं को दूर करने के लिए उपयुक्त उपाय करने चाहिए। मतलब कि क्या बोल रहा, वे संस्थाएं जो प्रभावपूर्ण संप्रेषण के विकास के लिए उत्सुक होती है, मतलब अपनी बात बताने के लिए उत्सुक रहती है, तो उनकी बात जैसा वो सोचती है कि हाँ मैं आइडिया सभी को बताना चाहता हूँ, इसके अकॉर्डिंग हम हमारी प्लानिंग स्टार्ट करेंगे, हम ये काम करेंगे वो काम करेंगे, तो ऐसे जो एक्साइटेड होते हैं सारे ऑनर है ना अपने एम्प्लॉय को बताने के लिए, ठीक है, तो उसके लिए उन्हें सारी बातों का ध्यान रखना होगा। ठीक है फ्रेंड, कैसी बातों का ध्यान, कि हमारा एम्प्लॉई है हमारी बात को समझ पा रहा है नहीं पा रहा है, वो हमारी बात का अलग अर्थ तो नहीं लगा रहा है, मैं जो बात कह रहा हूँ क्या उसे समझ आ रही या नहीं आ रही, क्योंकि एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, ऐसी बहुत सी बातें होती है, तो उन्हें वो सारी ध्यान रखनी चाहिए। आगे देखो, संप्रेषण तथा संप्रेषण में सुधार लाकर उसे प्रभावी बनाने का प्रयास करना चाहिए। हर एक कर्मचारी और जो मालिक होते हैं उनके बीच जो संप्रेषण होता है, तो उसमें जो बाधाएं आती है उनको समझकर उनका सुधार करना चाहिए। ऐसे कुछ उपायों का उल्लेख नीचे किया गया है। ठीक है, तो एक एक करके हम पॉइंट्स पढ़ेंगे और जानेंगे कि संप्रेषण के दौरान जो समस्याएं आती है उन समस्याओं का सुधार या उनका सुझाव क्या है। तो पहला यहाँ दिया है, संप्रेषण करने से पहले विचार लक्ष्य स्पष्ट करने चाहिए। बिल्कुल सही, कि आप जो बात बताना चाह रहे हो उसका उद्देश्य क्या है, है ना, वो लक्ष्य क्या है। ऐसा होता ना कि कभी कभी हम बात क्या कहना चाहते हैं और कह क्या देते हैं, तो कहने से पहले सोचो कि आपको क्या कहना है, किस बात को लेकर बात करनी है, ये पहले पॉइंट का अपना मीनिंग है। तो देखो क्या लिखा, किसी भी समस्या को अधीनस्थों को बताने से पहले अधिकारी को स्वयं ही सभी परिप्रेक्ष्य में समस्या स्पष्ट होनी चाहिए। मतलब कि अधीनस्थ काम करने वाले, हमारे अधीन काम करने वाले कर्मचारी, ठीक है, तो जब मालिक अपने कर्मचारी को कुछ कहना चाहता है तो कहने से पहले वो उन सब बातों को समझ ले और उनकी समस्याओं के बारे में जान ले। जैसे होता है ना कि हम कोई बात किसी को कहेंगे तो ऐसा लगता है, जैसे जो नेता लोग होते हैं तो वो कोई भी बात करते हैं तो उनको एक डर रहता है कि कहीं जनता इस बात का विरोध ना करें, तो उसी तरीके से यहाँ कंपनी में व्यवसाय में भी ऐसा ही होता है कि मालिक को अपनी बात कहने से पहले उनके सही और गलत का ध्यान होना चाहिए। पूरी समस्या का अध्ययन गहराई से होना चाहिए, विश्लेषण होना चाहिए, जांच पड़ताल होनी चाहिए, तथा उसे इस प्रकार रखना चाहिए कि अधीनस्थों को स्पष्ट रूप से प्रेषित हो, अधीनस्थों को समझ में आ जाए। आपके द्वारा किया गया संप्रेषण सरल होना चाहिए, उसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग होना चाहिए जिनके अलग अलग अर्थ ना निकले, और आपका उद्देश्य एक होना चाहिए। मतलब आपका प्रकट उद्देश्य, जो आप कहना चाहते हो वही आपका
लक्ष्य होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कहना क्या चाहते हो और कह क्या दिया, लक्ष्य क्या था, तो लक्ष्य के अनुरूप आपकी बात होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड देखो, सेकंड लिखा है हमारे यहाँ पर कि संदेश प्राप्तकर्ता की आवश्यकता अनुसार संप्रेषण करें। इसका क्या अर्थ है जानेंगे। प्राप्तकर्ता की समझ का स्तर प्रेषक को पारदर्शक के समान स्पष्ट होना चाहिए, मतलब कि ये देखना चाहिए कि मैं जो बात कह रहा हूँ उस बात का उस पर कितना असर हो रहा है, वो कितना उसको कैच कर पा रहा है ना, या उसको समझ पा रहा है। प्रबंधक को अपना संप्रेषण अधीनस्थों की शिक्षा तथा उनकी समझ के स्तर के अनुसार ही व्यवस्थित करना चाहिए। वही भाषा संबंधी बाधा अपन इसमें समझ सकते हैं कि आप ऐसे लैंग्वेज का यूज़ करो जिसे सभी जानते हो। आप इंग्लिश बोल रहे हो, सामने वाला हिंदी जानता है, और या फिर एक श्रवण संबंधी बाधा भी हो सकती है ना फ्रेंड्स, कि जैसे मैं बोल तो रही हूँ लेकिन जिसको मैं बोल रही हूँ वो सुन ही नहीं पा रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो गया, संप्रेषण निरर्थक हो गया, संप्रेषण व्यर्थ हो गया। तो यहाँ संदेश प्राप्तकर्ता की आवश्यकता अनुसार संप्रेषण करे का अर्थ है कि सामने वाले को पहले चेक करो कि क्या वो आपकी बात को सुन पा रहा है, क्या वो आपकी भाषा को समझ पा रहा है, क्या आप जिस उसको जो बता रहे हो उतना वो कैच कर पा रहा है, समझ पा रहा है या नहीं, इन सब बातों को देखो, उसके बाद अपनी बात को करो, ठीक है। अब थर्ड देखो, संप्रेषण के पहले अन्य लोगों से भी परामर्श करें। बिल्कुल सही है ना, कि संदेश को वास्तविक रूप में संप्रेषित करने से पहले यह बेहतर है कि संप्रेषण की योजना अन्य संबंधित लोगों को सम्मिलित करके बना लेनी चाहिए। अधीनस्थों की भागीदारी तथा इसमें शामिल होना उनकी तत्काल स्वीकृति, ऐच्छिक सहयोग प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होती है। वो बोल रहा है कि जब आप कोई बात को कहना चाहते हो तो आपके जो स्तर होते हैं, उच्च स्तर, मध्य स्तर, निम्न स्तर, इन तीनों ही स्तर के अधिकारों से वार्तालाप करो, ताकि कहीं ना कहीं उनके फीडबैक से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ मेरी बात से जब ये 10 लोग एग्री है तो 100 लोग बहुत जल्दी एग्री हो जाएंगे, ठीक है। अगला देखो, संदेश में प्रयुक्त भाषा शैली तथा उसकी विषय वस्तु के लिए जागरूक रहे। बिल्कुल, जिन शब्दों का उसके अंदर समावेश करने जा रहे हो उनका आपको ज्ञान होना चाहिए, कहीं आपका एक शब्द दो अर्थ ना बताए, ठीक है। संदेश की विषय वस्तु शैली तथा भाषा प्रयोग इस प्रकार से संदेश का संचार होना चाहिए इत्यादि प्रभावी संप्रेषण के महत्वपूर्ण पक्ष है। क्या बोला, विषय वस्तु, उसकी शैली, भाषा, ये सब क्या है, संप्रेषण की एक तत्व है, तो इनका आपको ध्यान रखना चाहिए। भाषा का प्रयोग ऐसा होना चाहिए जो संदेश प्राप्तकर्ता को समझ में आए तथा सुनने वाले की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। संदेश ऐसा होना चाहिए जो सुनने वालों को उनकी प्रतिक्रिया देने में उत्प्रेरक का कार्य करे, मतलब कि आपकी बात सुनते से ही और आपकी बात से सहमत हो जाए, सुनते से ही आपकी बात से सहमत हो जाए, ऐसा आपका संप्रेषण होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड। एंड लास्ट के कुछ पॉइंट है जिन्हें भी पढ़ेंगे हम, तो देखो पढ़ते हैं। उपयुक्त प्रतिपुष्टि निश्चित करे, इसका क्या मीनिंग है। प्रेषक मतलब व्यक्ति, प्रेषक व्यक्ति, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, हम यहाँ पे एक मिनट सही कर लेते हैं, ये व्यक्ति, ठीक है। प्रेषक व्यक्ति या प्रेषित संदेश से संबंधित प्रश्न पूछकर संप्रेषण की सफलता निश्चित कर सकता है। जैसे कोई बात बताई है, ठीक है, अब उस बात को तो बोल दिया, लेकिन अब ये चेक करना है कि क्या सामने वालों को समझ में आया या नहीं आया। जैसे अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं, क्लास में टीचर हमको पढ़ाती है, ठीक है, अब टीचर हमको पढ़ा रही है और उसके बाद टीचर का जो टॉपिक होता है पढ़ाने का वो खत्म होने के बाद वो चेक करने के लिए क्या करती है, किसी एक दो स्टूडेंट से उसके बारे में पूछ लेती है कि हमने जो पढ़ा उसका हमें मीनिंग एक बार कौन एक्सप्लेन करके बताएगा, या इसका इस क्वेश्चन का आंसर कौन देगा। तो उसी तरीके से हम बिजनेस में भी कर सकते हैं कि हम एम्प्लॉय को जो बोल रहे हैं, जैसे कोई रूल्स समझा रहे हैं किसी बात को लेकर, ठीक है, तो फिर उनको वापस से हम पूछ सकते हैं कि हमने जो रूल्स बताए वो आपको समझ में आए, हमने क्या क्या रूल्स बताए, इस तरीके से उनकी प्रतिपुष्टि मतलब उनका फीडबैक हम ले सकते हैं, ठीक है। तो देखो, संदेश प्राप्तकर्ता को भी संप्रेषण का प्रत्युत्तर द्वारा जवाब देने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। संप्रेषण की प्रक्रिया को प्राप्त प्रतिपुष्टि के आधार पर सुधारा जा सकता है ताकि वह अधिक प्रक्रियात्मक बन सके।
हमने जो बात कही उस बात का हमने उत्तर मांगा, और उस उत्तर में अगर किसी प्रकार का कोई भ्रम होता है या किसी को कोई समझ में नहीं आता है तो फिर से उस बात को कह दो और उस बात को समझा दो। तो ये भी संप्रेषण के लिए क्या है, एक सुधारनायक तत्व। ठीक है, अगला, वर्तमान तथा भविष्य दोनों के लिए संप्रेषण करें। जब कोई बात कहे तो वो केवल वर्तमान के लिए नहीं, उस बात का प्रभाव भविष्य में भी पड़ता है, तो भविष्य में भी वो बात सही हो, भविष्य में भी वो काम सही हो, ऐसा हमारा संप्रेषण होना चाहिए। ठीक है, तो सामान्यतः संप्रेषण की आवश्यकता वर्तमान प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए पड़ती है। ठीक है, सामंजस्य बनाए रखने के लिए संप्रेषण करते समय संस्था के भविष्य के लक्ष्यों को भी ध्यान में रखना चाहिए। थोड़ी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई फ्रेंड्स, आप सही कर लेना, सॉरी उसके लिए। ठीक है, तो बोल रहा है कि आप जो काम करो, आप कोई भी काम की शुरुआत वर्तमान में करते हो, वर्तमान की आवश्यकताओं को देख के करते हो, तो आपका काम भविष्य के लिए भी सही होना चाहिए, ना केवल उस काम से आपको वर्तमान में फायदा मिले। जैसे कि अपन किसी से कोई बात करते हैं तो बात कहते समय हम सोचते नहीं क्या कि ऐसे शब्दों का प्रयोग करो जो किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाए, क्योंकि ऐसा होता है कि शब्दों को व्यक्ति भूल जाता है, लेकिन उन शब्दों से सामने वाले को जो महसूस होता है, उसका जो घाव होता है, व्यक्ति नहीं भूल पाता। तो सेम इसमें भी हम इस तरीके से समझेंगे कि हमारा जो काम है वो वर्तमान और भविष्य दोनों को ध्यान में रखकर होना चाहिए। ठीक है, अगला देखो, संप्रेषण का अनुसरण। अनुसरण मतलब कि उसको मानना, उसके अनुसार चलना, नियमित रूप से अधीनस्थों को दिए गए आदेशों का अनुसरण होना चाहिए। संप्रेषण कब सफल होगा, जब मैं कोई बात कह रही हूँ और उस बात के अनुसरण हो रहा हो, उस बात के अनुसार लोग चल रहे हो, अनुसरण मतलब उसका पालन कर रहे हो, उसको मान रहे हो। इस प्रकार का अनुसरण आदेशों के सफल क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं को यदि कोई आती है तो उन्हें दूर करने में भी सहायक सिद्ध होती है। क्या समझ आ रहा है आपको इसमें कि संप्रेषण का अनुसरण, कि हम जो बात कह रहे हैं उस बात के अनुसार कर्मचारी अगर काम करने लगे तो हमें पता चलेगा कि हाँ कर्मचारी जो है वो हमारी बात के अनुसार काम कर रहे हैं, और अगर उस दौरान कोई समस्या आती है तो उसका भी हमें पता चल जाता है ना। एंड लास्ट है फ्रेंड्स, इसमें एक अच्छा श्रोता बनिए। जरूरी नहीं है कि आपकी बात ही थोपी जाए कर्मचारी पर, आपकी बात ही सुनाई जाए, कभी कभी एक अच्छा श्रोता, कभी कभी अपने कर्मचारी की बात भी हमें सुनना चाहिए। तो प्रबंधकों को एक अच्छा श्रोता होना चाहिए, धैर्यपूर्वक तथा ध्यानपूर्वक सुनने से समस्या का आधा हल स्वयं हो जाता है। प्रबंधक को ऐसा संकेत भी देना चाहिए कि वह अपने अधीनस्थों को सुनने में रुचि ले रहा है तथा उनके हितों को ध्यान में रख रहा है। आ रहा है समझ में फ्रेंड, एक अच्छा श्रोता बनिए। आप जो बात कहना चाहते हो सकता है आपकी बात की स्टार्टिंग से ही आपकी बात की एंडिंग आपका एम्प्लॉई समझ जाए, तो आपको बहुत ही शांति से अपनी बात कहनी चाहिए अपने कर्मचारी को, और उनकी बातों को भी समझना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने जाना कि जब हम संप्रेषण करते हैं, जब हमारे विचारों को बताते हैं कर्मचारी को, ठीक है, तो उन विचारों में कौन कौन सी समस्या आ सकती है, है ना, और जो आती है तो उनका सुधार कैसे किया जा सकता है, उनके लिए क्या उपाय है, ये हमने आज की वीडियो में जाना। अब अगर आपको किसी भी उपाय में या सुझाव में कोई भी डाउट लगता है तो डाउट को कमेंट्स बॉक्स में लिखना है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।